प्रदेश में चुनावी माहौल बनता जा रहा है। मुख्यमंत्री चुनावों के मद्देनजर पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं और कांग्रेस की लहर बनाने के लिए वो उद्घाटन व शिलान्यास कर मतदाताओं को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हिमाचल ने परमाणु में हिमुंडा द्वारा निर्मित किए जाने वाले दो व्यावसायिक परिसरों की आधारशिला रखी। एकीकृत गृह एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित आवासों की चाबियां आवास मालिकों को वितरित की। मुख्यमंत्री ने गांधी ग्राम में 33 केवी विद्युत उपकेंद्र को लोगों को समर्पित किया। कुमारहट्टी में बहुउद्देशीय हॉल एवं खेल मैदान का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस विकास में विश्वास रखती है और विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की रैली के लिए वह चंदा एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन वह चंदा किसकी जेब में जाएगा ये नहीं पता। उन्होंने विक्रमादित्य द्वारा एक परिवार एक टिकट पर जारी बयान को सिरे से निकालते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है, अगर बनेगा तो उसका अनुसरण किया जाएगा। वहीं विधायकों को जमीन देने वाली घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री के आपत्ति पर उन्होंने कहा कि गरीब पात्र लोगों को भी जब जमीन दी जा सकती है तो विधायकों को क्यों नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा विरोध की राजनीति करती है, जो अब जनता समझ चुकी है।